हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के लिए कितना टाइम आप लोगों को दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आप लोगों ने कंटिन्यू कमेंट्स में पूछा है, तो मैंने सोचा फाइनली आप लोगों को बता दिया जाए। अगर कोई चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे इसी चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम अगर 2019 की बात करें, 2019 की बात करें, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 मंथ मिला था। ऑलमोस्ट 2019 में बच्चों आप लोगों को 1 मंथ मिल गया था। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के लगभग 1 महीने बाद आप लोगों का जो मेडिकल वगैरह है या इंटरव्यू वगैरह है वो हुआ था। फिर देखिए, हम बात करते हैं 2020 की। देखिए 2020 में क्या हो रहा है, नवंबर में सेशन स्टार्ट करने की बात चल रही है, तो 15 अक्टूबर के आसपास में अगर आप लोगों का रिज़ल्ट आता है तो आप लोगों को ओनली 15 से 20 दिन ही मिलेंगे इस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2020 में आप लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 15 से 20 दिन मात्र मिल सकेंगे। तो देखिए बच्चों, ये 15 से 20 दिन होते हैं जो सफिशिएंट होते हैं इंटरव्यू के लिए। आप लोगों को बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।